आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वृक्ष के बारे में। यह पीपल नाम से आप सभी लोग जानते होंगे, वासुदेव नाम से सभी लोग जानते होंगे। इस पौधे का आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, समस्त रोगों की जड़ है और आयुर्वेद में एक विशेष औषधि के रूप में इस पौधे का उपयोग किया जाता है। और इन्हीं उपयोगों में मैं आप आज कुछ विशेष उपयोग जो स्त्री के रोगों में बतलाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए भैया। ये है पीपल, वासुदेव का वृक्ष। इसको एक लोटा जल और एक दीपक देने से सारे कष्ट मनुष्यों के कट जाते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं इन वृक्षों में जो पतले पतले देखे होंगे कि जड़ों में, तनों में ये जड़ निकल आती हैं, जिनको हम वररोह के नाम से भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये हैं जड़, ये जड़ निकल आती हैं और इन्हीं का उपयोग करना है जिन माताओं बहनों को रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, मूत्र इन्फेक्शन, बच्चेदानी में इन्फेक्शन या फिर गर्भ न ठहरने की शिकायत हो, वो इनका उपयोग कर सकती हैं और इसका लाभ भी ले सकती हैं। आपको क्या करना है कि इन जड़ों को यहाँ से निकाल कर अपने घर ले जाना है और धो के सुखा कर इसको रख लेना है। रखने के बाद इसको कूट पीस कर बराबर मात्रा से मिश्री मिलाकर एक चम्मच की मात्रा में उपयोग करना है और यह सूर्योदय से पहले एक चम्मच दूध के साथ उपयोग करना है। इसकी तासीर ठंडी होती है और इसका उपयोग करने से बच्चेदानी की कोई भी समस्या हो स्त्री वर्ग की, सब दूर हो जाती है। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।